हेलो गाइस, पोको एक सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो कि उन गेमिंग प्लेयर को ऑफर करता है जिनका बजट जो है वो लो रहता है और उसी बजट में उन्हें एक अच्छा सा गेमिंग दे पाए ऐसा स्मार्टफोन चाहिए होता है, जो कि पोको की एक सीरीज जो वो ऑफर करती है। और ये सच है कि पोको की एक सीरीज के अंदर हमें बेटर परफॉर्मेंस दिया जाता है, मतलब प्रोसेसर अच्छा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग इसकी बहुत हद तक कम होती है, जिसके कारण पोको की एक सीरीज बहुत कम समय में मार्केट में अपना नाम बना ली और देखा जाए तो बजट गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज बन गया। लेकिन कुछ दिनों से आप सब भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ कि पोको की एक सीरीज में ज़्यादातर परफॉर्मेंस को लेकर ही फोकस किया जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिस्प्ले, चार्जिंग स्पीड और कैमरा जो मार खा जा रहा है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ कि पोको एक्स फोर प्रो 5G स्मार्टफोन जो आ रहा है, इसमें ओवरऑल सब कुछ पे फोकस किया गया है, लाइक डिस्प्ले भी बेटर है, कैमराज भी बेटर है, परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग स्पीड, ओवरऑल मतलब ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन रहने वाला है, जिसे लेकर आज हम लोग बात करने वाले क्या कुछ फीचर्स हमें पोको एक्स फोर प्रो 5G स्मार्टफोन पे देखने को मिलेगा, कब तक इंडिया पे आ सकता है, किस प्राइस पॉइंट तक आ सकता है, काफ़ी सारे डिटेल पोको एक्स फोर प्रो को लेकर बाहर आई है, जिसे लेकर आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले। सो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लुक एंड डिज़ाइन को लेकर बात करते हैं कि भैया इस बार लुक एंड डिज़ाइन कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे इसकी लुक एंड डिज़ाइन जो है वो लीक होकर बाहर आ चुकी है, जो मैं आप सभी को स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ करा देता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहने वाला है। कैमरा मॉड्यूल लाइक एम लाइनअप की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बड़ी सी पोको की ब्रांडिंग होगी, ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप होगा। तो ये कुछ डिज़ाइनिंग रहने वाला है। अब बिल्ड क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ग्लोसी फिनिश के साथ पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, आईआर ब्लास्टर और प्राइवेसी को लेकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया जाएगा। तो ये था यहाँ पे बाहर की बात है। अब हम लोग अंदर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस के साथ यहाँ पे एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज तक की टच सैंपलिंग रेट, जो कि देखा जाए तो इस बार पोको की एक सीरीज के अंदर ये पहला स्मार्टफोन होगा जो कि सुपर एमोलेड के पैनल के साथ होगा। तो ये एक अपग्रेडेड हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी रियर साइड कैमराज की, तो रियर पे 108 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे का सेटअप रहने वाला है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। तो ये कुछ कैमरा सेटअप रहने वाला है। अब देखा जाए तो 108 मेगापिक्सल भी बहुत हद तक अपग्रेडेड रहने वाला है, क्योंकि पोको की एक सीरीज के अंदर कैमरा उसको लेकर फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार कैमरा, डिस्प्ले और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर फोकस किया गया है। इसके अलावा फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट पे सेंटर पंचोल कोडोर के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट होगा। इसके अलावा 5000 एमएएच की बड़ी सी बैटरी होगी, जहाँ पे 67 वाट की एक फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत कुछ हमें अपग्रेडेड देखने को मिलेगा इस बार, लेकिन मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स होती है एक सीरीज की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते, तो यहाँ पे एक 5G प्रोसेसर का सपोर्ट दिया जाएगा जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। अब ये देखा जाए तो नंबर वाइज नीचे है, लेकिन यहीं पे परफॉर्मेंस वाइज 732G से ऊपर वाला परफॉर्मेंस देने वाला है। अब हालांकि यहाँ पे पोको X3 से जो है थोड़ा सा नीचे की परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसे ऑलराउंडर स्मार्टफोन बनाना था, इसलिए परफॉर्मेंस पे इस बार थोड़ा सा मैनेज किया गया, लेकिन ये भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी दे देगा। 400,000 से ऊपर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर होती है और 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा और एड्रिनो 690 ग्राफिक पे बेस्ड होगा। तो ओवरऑल बेटर ग्राफिक, परफॉर्मेंस एंड बैटरी एफिशिएंसी देने वाला है, प्लस 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है और विद बॉक्स एंड्रॉयड 11 एंड MIUI 13 के लेटेस्ट UI के साथ आने वाला है। तो ये कुछ यहाँ पे हाइलाइटिंग फीचर्स पोको एक्स फोर प्रो के साथ दिए जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग मेन की लॉन्च कब होगा और किस प्राइस पॉइंट पे आएगा। तो देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन जो है वो हमें मार्च की स्टार्टिंग तक इंडिया पे देखने को मिलेगा और इसकी प्राइसिंग हमें 20,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास ही देखने को मिलेगा। हो सकता है 21 और 22 तक भी चला जाए, लेकिन 20,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट पे पोको एक्स फोर प्रो बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च
किया जाएगा। तो ये था यहाँ पे पोको एक्स फोर प्रो को लेकर ऑल डिटेल। तो वीडियो आप सभी को कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग किसी के लिए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।